विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्म भूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। प्राचीन समय से भारत के अनेक राजाओं ने अन्य देशों पर राज किया है, लेकिन कई राजाओं ने धर्म और शांति से भी अनेक देशों पर राज स्थापित किया है। केवल शस्त्रों से नहीं तो शांति के मार्ग से राज जीते जा सकते हैं। विश्व को शांति की राह पर चलने के लिए प्रेरित करने वाले महात्मा बुद्ध और महात्मा वर्धमान महावीर जैसे महापुरुष भी इसी देश में पैदा हुए, जिन्होंने राजकुमार होते हुए भी राजमुकुट, सत्ता और संपत्ति का त्याग कर सामान्य वस्त्र परिधान किए और भिक्षु जीवन जीने लगे। उन्होंने घर घर घूमकर लोगों के संकट दूर करने का प्रयास किया। हम भारतीयों ने आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी को भी पराजित करने के बाद भी दयापूर्वक क्षमा किया। पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें जीवन दान प्रदान किया। हमने ही विश्व को शांति के मार्ग पर चलने के लिए और मानवता के मूल्य को समझाने का प्रयास किया, इसलिए चीन इस देश ने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया। भारत भूमि के महान शासक सम्राट अशोक ने इसी विचारधारा को अत्यधिक फैलाने के लिए अपने परिवार सदस्यों को भी इस मानवीय कार्य में झोंक दिया। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। यही नहीं तो अनेक बौद्ध भिक्षु संघों को इंडोनेशिया में जावा द्वीप समूह में भेजा। अनेक राष्ट्रों में भी उन्होंने प्रचार के लिए भेजा। उन्हें त्रिरत्न बौद्ध धम्म और संघ और पंचशील, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि विश्व तत्व का सिद्धांत प्रदान किया। हमने किसी संपत्ति या राज्य को छीनने का प्रयास नहीं किया है। प्रकृति ने हमें मुक्त हस्त से संसाधन प्रदान किए हैं। प्रकृति की हमारे देश पर बड़ी कृपा रही है। भारत भूमि में हिमालय और सह्याद्री जैसे पर्वत शिखरों ने हमारी सुरक्षा की है। गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, कृष्णा, भीमा, तापी जैसी नदियों ने हमें सींचा है, हमारा पालन पोषण किया है। फल फूल बगीचों से हम आज भी और आगे भी संपन्न रहेंगे। भारत भूमि हमारे लिए सदा स्वर्ग के समान है। हम उसकी संतान है, इसका हमें अभिमान और गर्व होना चाहिए।